नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं तौफीक खान आपका अपनी क्लास में बच्चों बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों आज हम लोग अल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर के अंदर, हम लोगों ने अल्कोहल और फिनॉल जो है वो पढ़ लिया है। अब हम लोग अपनी इस क्लास पर ईथर के बारे में पढ़ाई करेंगे। तो ईथर आज हमारा है अगला टॉपिक। तो देखिए मैं हेडिंग बनाता हूँ ईथर। ईथर बच्चों क्या है? ईथर ठीक है, जब दो एल्किल समूह यानी आर, ठीक है, जब दो एल्किल समूह एक ऑक्सीजन परमाणु से बंध बनाकर रहते हैं तो उसे ही ईथर कहते हैं। इट मींस जब दो एल्किल समूह एक ऑक्सीजन के साथ बंध बनाकर रहते हैं तो उसे ही हम ईथर कहते हैं। क्या बोलेंगे बच्चों? ईथर कहते हैं, ठीक है। तो आगे देखेंगे, ये ईथर की बात हो गई, ठीक है। सीधी सी बात है भाई, ईथर का मतलब ही हो गया कि दो एल्किल समूह जो है वो ऑक्सीजन परमाणु से, जब एक अकेले ऑक्सीजन परमाणु से जुड़ते हैं तो ईथर बनता है। बच्चों यहां पर एक आर और ये जो दूसरा आर है अभी समान है, ठीक है। यानी अगर इस आर की जगह पर कोई हम एल्किल की वैल्यू रखते हैं, जैसे CH3 रखते हैं, तो यहाँ पे भी CH3 ही माना जाएगा क्योंकि दोनों आर समान है। तो बच्चों ईथर खाली इसी प्रकार नहीं होता, ईथर इस प्रकार भी हो सकता है, R-O-R-, इसका मतलब एक एल्किल समूह इस साइड और दूसरा एल्किल समूह अब इस साइड से अलग होगा। इसका मतलब यह है बच्चों कि जरूरी नहीं है कि ऑक्सीजन परमाणु के साथ दो ही एल्किल समूह जुड़े जो कि समान हो, इसका मतलब दोनों एल्किल समूह विषमान भी हो सकते हैं। तो बच्चों अब क्या बोलेंगे, ROR तथा ROR- प्रकार के यौगिक ईथर कहलाते हैं, यानी ROR तथा ROR- ईथर कहलाते हैं, जिसमें दो एल्किल समूह एक ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े होते हैं। यह है बच्चों ईथर की परिभाषा। इसके बाद बच्चों दूसरे तरीके से देखेंगे, एक और परिभाषा बताता हूं मैं आपको। देखिए जब दो एल्कोहल, जब दो एल्कोहल के अणु का दो एल्कोहल के अणु का एन हाइड्राइड यौगिक ईथर कहलाता है, ठीक है बच्चों। देखिए दो एल्कोहल के अणु, ठीक है, यानी दो एल्कोहल चलिए ले लेते हैं, रिएक्शन से समझते हैं, C2H5OH, दूसरा चलिए वही ले लेते हैं C2H5OH। अब क्या है, दो एल्कोहल के अणु का एनहाइड्राइड यौगिक, यानी इन दोनों यौगिकों में से जब जल का अणु बाहर हो जाएगा तो जो भी व्युत्पन्न बनेगा, जो भी नया यौगिक बनेगा वो एनहाइड्राइड वाला होगा, यानी इसमें पानी नहीं होगा, चूंकि ये रिएक्शन करेंगे तो पानी जो है वो अलग हो निकल रहा है इसमें से, ठीक है। एनहाइड्राइड यानी पानी निकलेगा किसमें से, देखें एथिल एल्कोहल में से एक OH समूह ये तथा दूसरे एथिल एल्कोहल, अगर ये बेस की तरह काम कर रहा है तो दूसरे वाले एथिल एल्कोहल से H+ रिमूव होगा, ठीक है, तो जाके रिएक्शन न्यूट्रल होगी। तो ये OH इस H के साथ मिलेगा बच्चों, तो H2O बनेगा, इट मींस ये यहां पर है, प्लस में लिखेंगे तो H2O बनेगा। तो देखेंगे क्या है, जब दो एल्कोहल के अणु का एनहाइड्राइड यौगिक, ठीक है, जल युक्त यौगिक एनहाइड्राइड, ठीक है, तो एनहाइड्राइड यौगिक जल युक्त यौगिक क्या कहलाएगा, ईथर कहलाएगा। अब देखिए C2H5 ये बचा, ओ ये बचा, C2H5 ये बचा, तो हमारे पास C2H5O C2H5 बन गया डाइएथिल ईथर, ये R है, ठीक है ना। तो जब दो एल्कोहल के अणु बच्चों, ठीक है, आपस में क्रिया करते हैं, यानी दो एल्कोहल अणु का एनहाइड्राइड यौगिक जल युक्त यौगिक ईथर कहलाता है, ठीक है। तो ईथर कैसे बना वो देख सकते हैं, दो एल्कोहलों की आपस में अभिक्रिया कराई गई, तो जब दो एल्कोहल आपस में क्रिया करते हैं तो उसमें से जल मुक्त होता है, ठीक है, तो एक
के साइड से एक अणु से OH निकलता है, छाल की तरह व्यवहार करता है, दूसरा एल्कोहल से H+ निकलता है क्योंकि छाल को हमेशा एसिड न्यूट्रल करता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन से आप इसे समझ सकते हैं। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं ईथर के प्रकार, टाइप ऑफ ईथर, ईथर के कितने प्रकार होते हैं। तो पहला प्रकार होगा बच्चों ईथर का सरल ईथर, इसी को बच्चों सममित ईथर भी कहते हैं। दूसरा पॉइंट है असममित ईथर, इसी को मिश्रित ईथर भी कहते हैं। तो बच्चों सरल ईथर की परिभाषा क्या होगी, जब किसी एक ऑक्सीजन परमाणु से दो समान एल्किल परमाणुएं या दो समान एल्किल समूह जुड़े होते हैं, दो समान एल्किल समूह जुड़े होते हैं एक ही ऑक्सीजन परमाणु से, तो वो सरल ईथर कहलाएगा, उसे ही सममित ईथर कहते हैं। जैसे बच्चों एक आर ओ आर, यानी दोनों ही एल्किल समूह समान हो गया और वो एक ऑक्सीजन परमाणु से जुड़ा होगा तो वो बच्चों सरल ईथर होगा। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल यहां पर ले सकते हैं C2H5O C2H5, ये क्या है बच्चों सरल ईथर है क्योंकि दोनों एल्किल समूह समान है। ठीक है, तो ऊपर यहां पर देख रहे हैं आप ये बना है C2H5O C2H5, इसको डाइएथिल ईथर कहते हैं, ये भी सरल ईथर है। चले बच्चों असममित ईथर, इसी को मिश्रित ईथर भी कहते हैं। तो देखिए मिश्रित ईथर में क्या होता है ROR-, इसका मतलब जब दो एल्किल समूह जो एक दूसरे से अलग हो, जो एक दूसरे से भिन्न हो, वो जब एक ऑक्सीजन परमाणु से जुड़ता है तो उसे ही असममित ईथर या मिश्रित ईथर कहते हैं बच्चों। इसका एग्जांपल देख सकते हैं जैसे CH3, एक R की जगह पर मैंने ले लिया CH3, फिर इससे जोड़ा O से, फिर बच्चों अब यहाँ पर CH3 नहीं लिख सकते क्योंकि ये वाला R' उससे भिन्न होना चाहिए, तो यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं जैसे C2H5 हो गया बच्चों। तो ये है आपका प्रकार, ईथर का प्रकार। तो एक बार फिर से फ्लैशबैक पर देखेंगे सॉरी ईथर क्या है बच्चों, ईथर जो है ROR तथा ROR- प्रकार के यौगिक ईथर कहलाते हैं। अर्थात जब दो एल्किल समूह ऑक्सीजन परमाणु से जुड़ते हैं तो ईथर बनाते हैं। दोनों एल्किल समूह एक दूसरे के समान भी हो सकते हैं तथा एक दूसरे से भिन्न भी हो सकते हैं। फिर इसी के नीचे एक चीज और लिखी है मैंने, जब दो एल्कोहल के अणु आपस में क्रिया करते हैं तो ईथर बनता है। ठीक है, तो दो एल्कोहल के अणु का एनहाइड्राइड यौगिक, यानी दो एल्कोहलों से जल का निर्जलीकरण होना, निर्जलीकरण होकर जो यौगिक बनेगा वो ईथर कहलाएगा। ईथर के प्रकार बच्चों कितने हैं, ईथर दो प्रकार के, सरल ईथर और असममित ईथर। सममित ईथर के अंदर दो एल्किल समूह एक ऑक्सीजन परमाणु से जुड़ेगा और दोनों एल्किल समूह समान होंगे, उसे ही हम लोग सममित या सरल ईथर कहेंगे। तथा जब दो एल्किल समूह में दोनों एल्किल समूह एक दूसरे से अलग अलग हो और वो ऑक्सीजन परमाणु से जुड़ा होगा तो उसे हम बच्चों असममित ईथर कहेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग देखेंगे इसका नाम तंत्र, कैसे इसका नाम तंत्र सीखा जाएगा, यानी कि इसका नामकरण कैसे करेंगे। तो बच्चों इस ईथर के नामकरण करने के लिए मैं आपको दोनों विधि कॉमन भी पढ़ाऊंगा, यानी साधारण विधि भी पढ़ाऊंगा, साथ ही साथ IUPAC नाम नेमिंग भी पढ़ाऊंगा। तो मैं एग्जांपल लिखता जा रहा हूं CH3O CH3, फिर CH3O C2H5, CH3O CH2 CH2 CH3, इसी प्रकार CH3O CH CH3 का होल ट्वाइस। कुछ एग्जांपल हमने आपके सामने लिखे। सबसे पहले बच्चों हम इसका कॉमन नेम लिखते हैं, यहां पर हम लोग साधारण नाम, ठीक है, साधारण नाम देखेंगे और यहां पर इसका बच्चों IUPAC नेमिंग सीखेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है बच्चों, सबसे पहले नामकरण करने के लिए आपको करना क्या है, दोनों एल्किल समूह की पहचान कर लीजिए। सभी जगह आपका पहला काम होगा एल्किल समूह की पहचान करना।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन परमाणु को देखेंगे। ऑक्सीजन परमाणु के हम बाईं ओर तथा दाईं ओर दोनों ओर चेक कर लेंगे कि एक एल्किल ये है, एक एल्किल ये है, इसका मतलब ईथर है। एक ये ओ है, इसके इधर ये एल्किल समूह है, ये एल्किल समूह, इसका मतलब ईथर है। CnH2n+1 वाले जितने भी यौगिक हैं वो सब ईथर है। ऑक्सीजन के इधर ये ईथर, ये एल्किल है, ये भी एल्किल है, ये एल्किल है, ये भी एल्किल है। चलिए एल्किल समूह की आपने पहचान कर ली। तो बच्चों साधारण नाम में सबसे पहले आप किसका नाम लिखेंगे, साधारण नाम में आप किसी एक एल्किल का पहले नाम लिख दीजिए, उसके बाद फिर दूसरे एल्किल का नाम लिख दीजिए, और उसके बाद ईथर शब्द जोड़ देंगे, ईथर शब्द जोड़ देंगे। तो देखिए आप कैसे नामकरण कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले दोनों एक समान है, तो इसके लिए तो हम डाई लिखेंगे, डाई इसको लिखेंगे मेथिल, एल्किल समूह का नाम लिखेंगे डाई मेथिल, फिर ओ के लिए ईथर, डाई मेथिल ईथर। अब इधर आए, अब इधर आप देख रहे हैं कि इधर दोनों एक दूसरे से अलग हैं, तो इनके नामकरण के लिए बच्चों आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे सबसे पहले, चाहे इसको लिख दो मेथिल एथिल ईथर, चाहे लिख दो एथिल मेथिल ईथर, ठीक है। तो मैं आपको दोनों बातें बता देता हूं, मेथिल एथिल ईथर, या तो इसे आप लिख सकते हैं एथिल मेथिल ईथर, ठीक है ना। चलिए इधर आए, इसका नामकरण कैसे करेंगे बच्चों, या तो लिखेंगे मेथिल प्रोपिल ईथर या प्रोपिल मेथिल ईथर, ठीक है ना। तो मैं लिख देता हूं एक ही नाम, आप दूसरा लिख लेंगे मेथिल प्रोपिल ईथर। इसके बाद इसके लिए क्या लिखेंगे, चलिए सबसे पहले मजेदार बात है यहां पर, इसको देख लीजिए, ये CH है और CH के साथ दो CH3 जुड़ा है, तो जब CH के साथ दो समूह यानी CH3 समान जुड़ते हैं तो उसके लिए आइसो शब्द का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो CH स्ट्रक्चर बना रहा हूं, CH3O CH, इधर CH3 जुड़ा है, एक और CH3 इस कार्बन से जुड़ा है, इस प्रकार इसका स्ट्रक्चर होगा बच्चों, ठीक है। तो देखें CH के साथ दो CH3 जुड़ा है तो आइसो शब्द लगाएंगे, तो बच्चों इसको मेथिल आइसोप्रोपिल ईथर भी बोल सकते हैं, या इसको आइसोप्रोपिल मेथिल ईथर भी बोल सकते हैं। तो हम लिख देते हैं, चलिए आइसोप्रोपिल मेथिल ईथर, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे बच्चों, IUPAC नेमिंग सीखेंगे। तो IUPAC नेमिंग में आगे पीछे जैसे कर रहे थे, कभी मेथिल लिख देते थे, कभी प्रोपिल लिख देते थे, ऐसा इसमें नहीं होगा। इसमें एक तरीका है, IUPAC सिस्टम में बच्चों आपको क्या करना होगा, सबसे पहले ऑक्सीजन के दोनों ओर कार्बन परमाणु की चेन चुनो, श्रृंखला चुनो, ठीक है। तो ऑक्सीजन परमाणु के इधर एक कार्बन है, उधर एक कार्बन है, इधर एक कार्बन है और इधर एक कार्बन, दो कार्बन, दो कार्बन है बच्चों, यहाँ पे कितने कार्बन है, दो कार्बन। मैं इसका एक एग्जाम्पल C2H5 को ऐसे लिख सकते हैं ना, CH2CH3, ये देखिए दो कार्बन है, एक दो, याद रखेंगे हमेशा पहला कार्बन ऑक्सीजन से जो सटा होगा कार्बन उसी को देंगे, ये पहला, एक दो तीन, फिर अब इसकी स्ट्रक्चर मैंने नीचे बनाया था, तो इससे इधर है एक, है ना। अब इधर देखो कार्बन की लंबी श्रृंखला कितनी है, इसको पहला नहीं देंगे, कार्बन की लंबी श्रृंखला हमारा एम है, कार्बन की लंबी श्रृंखला चुनना, फिर भले चाहे चैन तिरछी हो आड़ी हो इससे मतलब नहीं, ये एक ये दो ये तीन, बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। तो बेटा आपको करना क्या है, सबसे पहले छोटी श्रृंखला के साथ आक्सी शब्द जोड़ना पड़ेगा, छोटी श्रृंखला के साथ। तो सबसे छोटी श्रृंखला देखिए, यहाँ का कार्बन और यहाँ का कार्बन दोनों बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे इसके साथ आक्सी जोड़ दो चाहे इसके साथ आक्सी जोड़ दो। तो एक कार्बन को IUPAC में मेथ कहते हैं, मेथ में आक्सी जोड़ेंगे तो बन जाएगा मेथाक्सी, फिर एक कार्बन के लिए मेथेन, मेथाक्सी मेथेन, इसके लिए इधर आएंगे। आप क्या देख रहे हैं बच्चों, सबसे छोटा कार्बन इधर है, इस छोटे से कार्बन के साथ अब हम ऑक्सी शब्द जोड़ेंगे, यहाँ पर एक कार्बन उधर दो कार्बन है, तो इधर न्यूनतम कार्बन है, इस कार्बन के साथ IUPAC काउंटिंग के साथ ऑक्सी शब्द जोड़ेंगे मिथॉक्सी, ये हो गया। मिथॉक्सी के बाद बच्चों देख रहे हैं ये जो हिस्सा है मिथॉक्सी किस नंबर के कार्बन से जुड़ा है, एक नंबर से, तो एक नंबर लिखने की जरूरत नहीं होती, मेथॉक्सी एक दो, दो कार्बन को बोलेंगे एथेन, मेथॉक्सी एथेन। इसके बाद इधर आएंगे,
इधर देखिए छोटे कार्बन सबसे कम श्रृंखला इधर है, तो इसके साथ ऑक्सी शब्द जोड़ेंगे मिथॉक्सी, एक दो तीन प्रोपेन, मिथॉक्सी प्रोपेन बच्चों अब इसका नाम आ रहा है। इसके बाद अब हम नाम इसका लिखेंगे जिसकी श्रृंखला नीचे बनी है। सबसे पहली बात छोटे कार्बन श्रृंखला कौन है, ये छोटे कार्बन के साथ ऑक्सी जोड़ेंगे तो बच्चों मिथॉक्सी, मिथॉक्सी। लेकिन ये मिथॉक्सी किस नंबर के कार्बन से जुड़ा है लंबी श्रृंखला में, लंबी श्रृंखला में ध्यान रखें यहां पर मिथॉक्सी लंबी श्रृंखला में पहले नंबर के कार्बन से जुड़ा था, पहला नंबर दर्शाने की जरूरत नहीं है ठीक है। इसके बाद ये मिथॉक्सी इसमें किस नंबर के कार्बन से जुड़ा था, पहले नंबर के कार्बन से जुड़ा था, तो पहले नंबर को दर्शाते नहीं, आपकी इच्छा दर्शा भी सकते हैं। लेकिन बच्चों अब ये मिथॉक्सी दूसरे नंबर की पोजीशन पर है तो आप पोजीशन लिखना अनिवार्य है, तो ये मिथॉक्सी दूसरे नंबर के कार्बन पर है इसीलिए मिथॉक्सी के आगे टू मिथॉक्सी जोड़ा जाएगा, समझ गए, टू मिथॉक्सी, एक दो तीन टू मिथॉक्सी फिर प्रोपेन। ये है बच्चों इसका आईयूपीएसी नाम। कैसे इसका आईयूपीएसी नाम बनाना है, सिंपल है, इतने ही ईथर का इस्तेमाल यहां पर होने वाला है, आप इसको बढ़िया से प्रैक्टिस कर लें, कॉमन नेम जाने और इसका आईयूपीएसी नाम जाने। अब इसी के अंदर इसी टॉपिक के अंदर मैं आपको समावयवता बताऊंगा ठीक है। तो चलिए देखिए समावयवता कैसे बनती है। चलिए अब ईथरों में समावयवता देखेंगे, तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं समावयवता। बच्चों समावयवता को इंग्लिश में आइसोमेरिज्म कहते हैं। समावयवता की परिभाषा क्या होती है सुनिए, जब किसी यौगिक के अणु सूत्र तो समान, अणु सूत्र का मतलब जितने भी परमाणुओं से वो मिलकर के बना है, जब किसी यौगिकों के अणु सूत्र तो समान परंतु उनकी संरचनात्मक सूत्र भिन्न भिन्न होते हैं उन्हें ही हम समावयवता कहते हैं। बच्चों समावयवता क्लास 11th का टॉपिक है, यहां पर हम बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी उसकी डिस्कशन नहीं करेंगे, नहीं वीडियो लंबा होगा, यहां पर हम सिर्फ समावयवता निकालेंगे वो भी ईथरों की। तो ईथरों की समावयवता जो निकलती है वो इस फार्मूले पर निकलती है CnH2n+2O, O ऑक्सीजन परमाणु है। एक एग्जांपल उठाते हैं बच्चों, मैंने एग्जांपल लिया N जो है वो रिप्रेजेंट करता है कार्बन परमाणु की संख्या, मैंने कहा मेरे पास कार्बन की संख्या चार है तो C4H2 × 4 + 2 O हो गया बच्चों। चलिए देखिए यहां पर अब आप क्या देख रहे हैं, हमारे पास कार्बन कितने हैं C4, 4 × 9 = 8, 8 × 2 = 10 O। हमारे पास एक यौगिक आया बच्चों C4H10O, मान लीजिए एग्जाम में आ गया, ये अणु सूत्र है, इस अणु सूत्र में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के परमाणुओं ने भाग लिया है तो ये इसे अणु सूत्र कहते हैं। अब इन अणु सूत्र के बारे में यदि हम जानने की कोशिश करेंगे बच्चों तो एग्जाम में पूछेगा दिए गए अणु सूत्र के संभावित सभी समावयवी बनाइए, समावयवी का मतलब जिनके अणु सूत्र तो समान परंतु संरचनात्मक सूत्र भिन्न भिन्न होंगे। तो ये एग्जाम्पल मैं यहां पर लिखता हूं, एग्जाम में पूछ लिया C4H10O इसकी आप संभावित सभी समावयवी बनाइए। तो बच्चों देखिए कौन कौन से समावयवी बन सकते हैं, सबसे पहले आप कार्बन जितने हैं उतने लिख दीजिए 1, 2, 3, 4 हो गए बच्चों 4। चलिए कौन कौन सी संरचना बन सकती है, तो पहली बात तो हम ईथर पढ़ रहे हैं, हमारे दिमाग में आएगा बीच में किसी कार्बन के बीच में ओ लगा दो, तो बच्चों मैं यहां पर ओ लगा देता हूं, ये लीजिए ओ लग गया, बाकी अब सबको बॉन्ड से जोड़ दो, एक कार्बन कितने बार, अब कार्बन की जितनी भी बैलेंसी है वो हाइड्रोजन लगाकर पूरी होगी, तो कार्बन ने एक बार बॉन्ड बनाया है, ये तीन बार बॉन्ड बनाएगा, ये दो बार बनाया है, अब दो बार और बनाएगा, ऑक्सीजन तो दो बार ही बॉन्ड बनाता है वो अब बॉन्ड नहीं बनाएगा, यहां पर कार्बन ने दो बार इधर इधर बॉन्ड बनाया है दो बार और बनाएगा, और ये कार्बन ने एक बार बनाया है ये तीन बार और बनाएगा, बैलेंसी पूरी हो गई। तो बच्चों गिन लीजिए 1, 2, 3, 4 चार कार्बन, हाइड्रोजन गिन लीजिए 3, 2, 5, 5, 2, 7, 7, 3, 10, 10 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन देख लीजिए कितना है 1, बिल्कुल पहली संरचना हमारी सही है, पहला समावयवी बन गया। इसके बाद दूसरा समावयवी देखेंगे क्या बनेगा, कितने कार्बन है 4, 1, 2, 3, 4 यहां पर इन सभी को जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद बच्चों ईथर बना रहे हैं, अब इसका दूसरा रूप क्या हो सकता है, यहां पर एक ओ जोड़ दो, अभी ओ हम कहां जोड़ रहे थे, बीच में जोड़ रहे थे, अब ओ बाहर जोड़ा, तो एक कार्बन चार बार बंद बनाता है तीन से और बनाएगा, दो बार बना चुका है दो से और बनाएगा, दो बार और बनाएगा, दो बार और बनाएगा, दो बार और बनाएगा, ठीक है
एक दो तीन और एक चार, इधर से चार, यहाँ ये वाला ऑक्सीजन इस कार्बन से जुड़ा है, ठीक है ना। तो कार्बन चार बार बॉन्ड बनाता है, एक ऑक्सीजन के साथ बनाया, एक इस कार्बन के साथ बनाया, दो मतलब दो हाइड्रोजन और जोड़ेंगे। अब इसके बाद ऑक्सीजन दो बार बंध बनाता है, तो इसके साथ अब क्या लिखें भाई, हमारे पास लिखने के लिए क्या है, कार्बन तो इस्तेमाल नहीं कर सकते, सिर्फ हाइड्रोजन का इस्तेमाल कर सकते हैं, यहां पर जोड़ते हैं H। अब बच्चों देखें क्या हमारी संरचना सही बनी है, एक दो तीन चार, सॉरी हमने एक दो तीन चार पांच कार्बन ले लिए थे, ठीक है, यहां पर देखें चार कार्बन था, एक दो तीन चार, ठीक, चार कार्बन लिए थे। तो बच्चों एक ऑक्सीजन जो है ना वो इसके साथ यहां पर जोड़ दिए, जोड़ने के बाद अभी कार्बन दो बार और बंध बनाएगा, तो इसके साथ हाइड्रोजन से बैलेंसी पूरी करेंगे। अब बच्चों इस श्रृंखला में आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास ऑक्सीजन एक था इस्तेमाल हो गया, कार्बन चार थे इस्तेमाल हो गए, अब हमको इसकी बैलेंसी हाइड्रोजन से ही पूरी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि अपने से ऑक्सीजन और जोड़ लो, कार्बन अपने से जोड़ लो, ऐसा कुछ नहीं, हाइड्रोजन बढ़ा सकते हो, हाइड्रोजन देख सकते हो, लेकिन हाइड्रोजन का भी मानक है 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो चेक कर लो, 3, 2, 5, 5, 2, 7, 7, 2, 9 और 1, 10 बिल्कुल सही, 1, 2, 3, 4 बिल्कुल सही, एक ऑक्सीजन बिल्कुल सही। तो बच्चों समावयविता क्या है, समावयविता जिनका अणुसूत्र समान, तो ये देखो अणुसूत्र तो समान है, ठीक है, अणुसूत्र समान है, लेकिन संरचना सूत्र दोनों के लिए अलग अलग है, एक ईथर बनाता है तो दूसरा अल्कोहल बनाता है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे ईथर में आपको दो समावयविता मिलेगी, एक अल्कोहल बनेगा और एक ईथर बनेगा, ठीक है। उसका फार्मूला क्या होता है, मैंने भी आपको यहाँ पीछे लिखा था, CnH2n+2O, है ना बच्चों। जब भी कभी एग्जाम में समावयविता के लिए आएगा तो वो दो नंबर के लिए आता है, तो ना पूरा तभी होगा जब आप उसकी संरचना बनाने के साथ उसका IUPAC नाम भी लिखें। तो बच्चों इसका IUPAC नाम क्या होगा, यहाँ पे भी CH2CH3 है, यहाँ पर भी CH2CH3, दोनों तरफ बराबर है, तो हम ऑक्सी शब्द सबसे पहले किसी कार्बन परमाणु की श्रृंखला के साथ जोड़ेंगे, तो दो कार्बन को बोलते हैं एथॉक्सी, फिर दूसरी लंबी श्रृंखला एथॉक्सी एथेन, इसके बाद अब इधर 1, 2, 3, 4 चार कार्बन है, चार को बोलते हैं ब्यूट, सब सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन, पहले नंबर की पोजीशन पर OH जुड़ा है, वन ऑल, OH को IUPAC में ऑल कहते हैं। तो बच्चों ये थी समावयविता, ठीक है, उम्मीद है आपको ये क्लास समझ में आई होगी। अब जो हम लोगों की अगली क्लास चलेगी उसमें हम लोग ईथर कैसे बनाया जाता है, क्या क्या उसकी विधियां हैं वो सीखेंगे। धन्यवाद।